तो काफी सारी डिमांड्स आ रही थी आप लोगों की मेरी शादी की ज्वेलरीज देखने की, तो आज फाइनली मैं आपकी डिमांड्स पूरी करने जा रही हूँ। और ये रहे मेरे शादी के गहने। तो ये सबसे पहले मेरा गुलोबंद जो कि है 2.5 तोले का। मेरा नहाना धोना फिलहाल हो गया है और काइनू सोई है अंदर वाले रूम में, कुछ दिखाना है आप लोगों को। ये हमारा बाहर वाला रूम, सुबह से 5:30 बजे से आज ये महात्मा भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे टाइम लगा नहीं ये सब देखने के लिए। मैं काइनू के कपड़े पर धो रही थी, खुद नहाया, काइनू को नहलाया, मालिश करी और चाय वाय बनाई। ये क्या कर रहे हो रे आप, क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये पूरा ये सब खाली करा और ये सब बेड में फैलाया, बेड इधर का इधर कर दिया और मैं ज़ोर से भी बोल नहीं सकती, पता नहीं कर जो भी रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे कि दिवाली में सफाई नहीं होती, वैसे कुछ कर रहे हैं। ये क्या है, ये कूड़ा करकट है। इनकी तो खैर आवाज़ भी नहीं आएगी क्योंकि माइक लगा हुआ है मेरे पास में। तो अभी थोड़ी देर में पूछते हैं इनसे कि क्या कर रहे हो आप, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना मेरी हेल्प ले रहे ना मुझे कुछ बताया है। सुबह 5:30 बजे से लगे हुए हैं, 2 चाय पी है। मैंने कहा भाई ऐसे रोज़ रोज़ काम करो तो बात ही क्या है। फिर मैंने बोला मैं माइक लगा लेती हूँ क्योंकि काइनू उठ जाएगी। ये काइनू देखो, मैं माइक लगा के आराम, ये देखो इसके हाल देखो। अभी थोड़ी देर में मतलब मैं यहाँ पे नहीं होती ना ये गिर जाती। इवन थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी हुआ था, आप डालेंगे नहीं डालेंगे माइक क्योंकि डांट भी पड़ेगी घर से, तुम लोग भौंको छोड़ देते हो ऐसे, गिरा देते होगे तुम लोग ये सब। तो मैंने इसको सुलाया था 10 मिनट पहले, मैंने कहा कुछ बहुत शूट कर लेते हैं यार, माही तो बिजी है आज अपने काम में। तो ये इनके ये है हाल, और अभी के बाद ना ये मुझे कुछ भी नहीं करने देगी। काइन्यू 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 स्माइल करके दिखाओ, स्माइल करके दिखाओ, अरे वाह वाह। ये गुस्सा हो गई यार, मैंने इसको नीचे बेड पे रख दिया ना, गुस्सा हो गई। ये देख किसने किया, किसने किया करके दिखाओ। मुझे काम है बाबू, मुझे बाल बनाने हैं, चाय पीनी है, हैं? पापा भी काम कर रहे हैं। सो माही रह गए आज अपने काम में, उनको व्लॉग करना कोई सूद ही नहीं है। मैंने कहा व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं और पानी वानी भी भर लेते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं। मैं काइनू को छोड़ के आ गई उनके पास। सो गुड मॉर्निंग, एक नए दिन नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के खूबसूरत से गंगोली हाट से। आप लोग ये व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बता दें। पानी भरने में है अभी काफ़ी समय, तो नीचे चलते हैं फटाफट से। काइनू और मायका दिखाती हूँ आप लोगों को क्या चल रहा है। ये वाह वाह वाह, काइनू क्या कर रहे हो ये। काइनू कौन सा सिंगर आया आज आपके घर में है। आज तो यार अपना नाश्ता वास्ता भी कुछ नहीं हो पाया क्योंकि 10:30 का टाइम हो गया है और मैं अपनी ये छुटुर पुटुर बहुत दिनों से सफाई वफाई नहीं की थी ना, जिस दिन मैं करता हूँ तो फिर तरीके से सुबह 5:30 बजे इस पर्पज से उठ गया था कि मुझे आज सफाई करनी है। तो सफाई में लग गया था, चीज़ें खड़े बड़े जो बोलते हैं ना सारा फेंकाओ। जो क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, मुझे देख के हंस रही। तो आज का जो नाश्ता है, नाश्ता और लंच दोनों साथ में होने वाला है, यानी कि 11-12 बजे टाइम पे ही होगा अब, और दिनों 2 बजे होता था, आज 11 या 12 बजे टाइम हो जाएगा। बाकी थोड़ी देर क्या चल रहा है तेरा, ये महारानी दूध पिलाना है को। पिला ले फिर, लाओ इधर दे दो, इसका बांधती हूँ, कुछ गिरा देगी। गरम किया है तो चलिए काइनू का तो
ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, जाओ भाई जाओ जाओ आप जाओ। तो यार सारे काम धाम निपटाने के बाद, सारे तो क्या ही निपटाए, मतलब जितना भी निपटाया, भूख लग गई अनेश मनीष पर, और इसीलिए लंच बन रहा है। लगभग 10:30-11 बज गया होगा ना? हाँ 11 बज गया, आज हमने नाश्ता किया ही नहीं है। और तूने आज वीडियो नहीं देखा होगा, तो वीडियो में तेरे लिए कुछ स्पेशल कमेंट आया था, तो प्लीज वो चेक कर लेना। और दिन तो रोज देखती है, तो जिस दिन तेरे लिए आता है उस दिन भी देख लिया। अरे मेरे को इसलिए टाइम नहीं लगा क्योंकि और दिन ये काइनों को पकड़ते थे, तो कभी कभार मैं कर लेती थी। आज सुबह से काम में लगे हैं। क्या है वैसे? कुछ भी है, देख लेना तू अभी बाद में, पहले लंच वंच कर लेते हैं, उसके बाद स्पेशल कमेंट किसकी तरफ से आया है वो साइड में मैं दे दे रहा हूँ, बाकी स्नेहा बाद में देख लेगी। लंच में बन रहा है चावल, इसमें बन रहा है ये क्या है, दाल। ये रोज पीली पीली दाल क्या बनाती है तू? ये लाल दाल होती है क्या? कुछ किस चीज की है? मिक्स दाल बनाती हूँ यार मैं। जो भी है, खुशबू तो बहुत ही जबरदस्त है। अभी जो मेरे फोन का जो इनबिल्ट कैमरा है उसमें मेरे को एक फीचर मिला, स्नैपचैट से रिलेटेड कुछ फीचर था, तो मैंने काइनो की कुछ फोटोज करी हैं, वो देखो जरा इतनी मस्त, मतलब वाली फन वाली फोटोज हैं, देखिए। तो कौन सी वाली बेस्ट लगी बताना जरूर। दाल चावल तो बनते रहेगा, मेरे को फिलहाल हो गई है कमेंट देखने की, तो मैंने देख भी लिया है, क्योंकि ना मेरे को कमेंट पढ़ने की वैसे ही चुल रहती है। मैंने कहा यार मेरे लिए कमेंट तो मैंने ना पढ़ा, वो मैंने मिस कर दिया। तो कमेंट है, कल मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था जब मैं ज्वेलरी के साथ काइनू खेल रही थी। ये क्या है, गहने वहने क्या निकाल रखे आज? गहने बेचने जा रही हूँ अपने। तो उसमें था कि जो ज्वेलरी थी उनके रिगार्डिंग ये था कि भाभी अपनी शादी की ज्वेलरी छिपा क्यों रही है, दिखाना क्यों नहीं चाह रही है। तो जिन्होंने कमेंट किया था वो है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि वो हमेशा ही कमेंट करते हैं, तो उनको तो यार दिखाना ही पड़ेगा जो मेरी ज्वेलरीज हैं, करोड़ों की ज्वेलरीज है करोड़ों की इसके पास तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो वैसे भी कोई भी हमारे व्यूअर रिक्वेस्ट करते तो जरूर दिखाती मैं। उन्होंने बोला कि अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो, बाकी हंसने वाला कुछ इमोजी था जब उन्होंने बोला कि भाभी छिपा क्यों रहे, तो मजाक भी समझी मैं, लेकिन वो फिर भी देखना चाह रहे तो दिखा देते हैं। तो कमेंट आपने किया है मैं ना दिखाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए करते हैं शुभ शुरुआत, खोल दिया जाए डब्बा पिटारा खजाने का। तो ये सबसे पहले मेरा गुलोबंद जो कि है 2.5 तोले का ये 2.5 तोले का है यार, 50 तोले का क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो है वो है आर्टिफिशियल, ठीक। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, है नथ, अरे यार सब उलझे पड़े हैं, अब सबको पता ही चल जाएगा कि ऐसे तो कोई अपने रियल ज्वेलरी रखने वाला है नहीं, तो ये है सारी आर्टिफिशियल। तो ये है नथ, और ये एक ऐसी नेकलेस है, ऐसे कुछ झुमके हैं। तो बात क्या है ना, ये सब कुछ मेरा जो है, ये डब्बे जो है आर्टिफिशियल है, इसीलिए मैंने काइनू को खेलने के लिए दिए थे, रियल ज्वेलरी मैं नहीं देने वाली हूँ। तो ये आर्टिफिशियल मैंने खाली रील्स वगैरह के लिए लिए थे, क्योंकि जो मेरा रियल वाला गोल्ड है ना वो घर पे है, अपने साथ रखना ऐसा हम सेफ नहीं समझते, तो वो घर पे है। और जिसने कमेंट किया था उन्होंने ये बोला था ना कि भाभी तो अपनी शादी के गहने छुपा रही हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि दिखा दिया जाए ये सब क्या है मेरे पास, पौंजी वौंजी सब है इसमें। ये खाली रील पर्पज से मैंने ली थी, जो कि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, तो क्या पता अभी कर लूँ आपके कहने पर, मैं आगे देखूँ इनका कुछ यूज हो जाए। बट अगर आप चाहेंगे तो ना मैं शादी के गहने दिखा दूंगी, मुझे ऐसे खुद से दिखाना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा आज तक। और वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अपनी कलेक्शंस दिखाना, ड्रेसेस दिखाना, ज्वेलरी दिखाना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक नहीं है गोल्ड का, मैंने वैसे लॉकर में रखा हुआ है अपने घर पर, और सेफ भी नहीं है ना अपने साथ में रखना। तो अब आप लोग डिमांड कर रहे हैं, एक कमेंट तो मैंने देखा, लोग नहीं बोल सकती, और वो कमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो मैं तो सोच रही हूँ दिखाऊंगी, बट वो घर से या तो घर पे जाके बनाना पड़ेगा या घर से इधर लाना पड़ेगा गोल्ड अपना, तो थोड़ा मुझे ना वैसा ऑकवर्ड टाइप का फील होता है खुद से दिखाना, और बहुत ज़्यादा सोने का शौक है भी नहीं मुझे, बट अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये है मेरा आर्टिफिशियल, और ये
अगर मुझे टाइम लगा तो मैं अभी पहन के दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, आर्टिफिशियली पता नहीं मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो मेरे को लगता है मेरे पापा ने मुझे शादी के टाइम पे आर्टिफिशियली देना चाहिए था, वो भी सस्ते में पड़ते और मेरे सारे शौक भी पूरे हो जाते। तो अभी हमारा बन रहा है खाना, लंच बन रहा है, तो लंच के बाद अगर काइनूस हो गई या फिर कुछ भी मतलब मौका मिला मुझे तो मैं पहन के एक बार रेडी वेडी होके दिखाऊंगी। ये व्लॉगिंग वीडियो के चक्कर में अब जाके 12 बज गए हैं, अब जाके खाना नसीब हुआ है। मैंने कहा खा लेते हैं, बोल लिए पहले वो ज्वेलरी वाला सूट कर लेती हूँ ऊपर, बाद में फिर टाइम नहीं लगेगा। तो यही है, अभी भी खाना सामने लगा है। व्लॉगिंग ऐसी चीज़ है कि खा नहीं पा रहा हूँ। तो कौन रुक रहा है आपको, खा लो। अब खा लेता हूँ, पहले मेरी बारी है फिर इसकी बारी आएगी। क्योंकि महानुभाव इनको पकड़ा है, ये महारानी को पकड़ा है, छोटी महारानी को। बड़ी महारानी ने छोटी महारानी को पकड़ा है। खा लिनो और देखते हैं कैसा बनाया है। ये है दाल भात, साथ में है दही और ये हूँ मैं। खा लेते हैं अब। ये मेरा हाथ, ये मेरा मुंह। गरम, मतलब जैसे ही बना है ना टूट पड़ा हूँ मैं तो। जय हो। सही हो रहा है, मतलब नपट्टिया गोपी पामोड़ जोश जैसा मैं बनाता हूँ वैसा नहीं हो रहा है। कितना गंदा बनाया था कल, बताया रिव्यू झोली भात का। इसने रिव्यू दिया था कल झोली भात का, मैंने वो डाला ही नहीं। चीटिंग 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 करता है तू। मैंने खाया ही नहीं सच बोलूं तो। चलो यार ये बेइज्जती कर देगी, मैं खा लेता हूँ। तो पूरे एक दो घंटे की मशक्कत के बाद मैं तैयार हुई, क्योंकि बीच बीच में काइनू ने जो परेशान किया है ना मुझे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और उसको मायके पास आज रहना भी नहीं है। तो आर्टिफिशियली सही मतलब ज्वेलरी ना, बट परेशान बहुत ज़्यादा और इसको पहनने में मशक्कत इतनी है, और साथ में फिर अगर ज्वेलरी पहनी है तो फिर साड़ी ना पहनो, सूट में पहन नहीं सकते इसको। तो फिर मैंने कहा यार बोला है किसी को, पहले कमिट कर चुके हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो बनता है, इतनी मतलब इतनी अपनी तरफ से कोशिश तो बनती है। और बाकी ये पिछौड़ा मेरी शादी का है और मैंने सोचा पिछौड़ा भी पहन लिया जाए, सारा कुछ कर ही दिया है तो पिछौड़े ने क्या बिगाड़ा है। तो ये पिछौड़ा मैंने ना बहुत टाइम के बाद पहना, और ये ज्वेलरी तो शायद फर्स्ट टाइम ही वेयर की है मैंने, जब से ली तब से। आपके कमेंट की वजह से मैंने ज्वेलरी पहनी, साथ में साड़ी पहनी, साथ में ये पिछौड़ा, काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे रेडी हुई हूँ। और ऐसे रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों के साथ, फिर उतना ही जल्दी उनको चेंज भी करना पड़ता है, क्योंकि अभी काइनू थोड़ा परेशान करने लग जाएगी। बाकी देखते हैं माई अगर एक दो फोटोज कुछ कर दें। और मेरे पास टीका नहीं है, मान टीका होता है ना जो, वो इसका था बट वो गुम गया, कहीं राखी ने पहना था कुछ फंक्शन में तो वो गुम गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितना है वही भी बहुत है मेरे पहनने के लिए, ज़्यादा ही जो है। तो देखते हैं अभी माई से फ़ोटो वोटो करवाते हैं, कुछ कर दी तो इंस्टाग्राम पे आ जाएगी, नहीं करी तो फिर कोई बात नहीं, बाकी मैं रिव्यू भी लूँगी माई से। और अगर आप बोलेंगे तो मैं रियल वाला भी दिखाऊंगी, और वो तो फिर अच्छे से ही वेयर करना पड़ेगा पूरा, ऐसे ही तैयार व्यार होके। तो देखते हैं आप लोगों के कमेंट्स कैसे रहते हैं, अगर कमेंट्स ऐसे रहे कि हाँ जी देखना है दिखाओ तो फिर ज़रूर दिखाया जाएगा। आप लोगों की इच्छा सर आँखों पर। सो अब फोटो करते हैं कुछ, है ना काइनू, फोटो करें मम्मा की। ए काइनू पता नहीं मेरे को देख के बिल्कुल खुश भी नहीं है, ऐसा रिएक्ट कर रही है मतलब जैसे कि उसको क्या है, ये सब क्यों कर रखा है ना काइनू। आपको भी रेडी कर दूँ, रेडी कर दूँ, चलो फिर। पिछले 2 घंटे से ना मेरी हो चुकी है हालत ख़राब, तैयार होना ये वो, इसको संभाल संभाल के, एक तो रह नहीं रही है मेरे पास, और फिलहाल जो सूट वूट कर रहे हैं इसके चक्कर में भी मुझे ही पकड़ना पड़ रहा है, तो हालत ख़राब हो चुकी है। हालत ख़राब मेरी ऐसी ही होती है, रोज़ मैं ऐसी पकड़ती हूँ इसको, तो थोड़ी देर में देखो कैसी हालत हो रही है इनकी। और चलो यार छोड़ो, फटाफट मैं इसकी फोटोज कर लेता हूँ फिर। नहीं मुझे उतार ये सब यार। कैसा लग रहा है वो बताओ पहले। अच्छा लग रहा है, अच्छी लगने वाली हुई तू। कैसे, चलो फोटोज कर लेते हैं एक दो, अगर काइनू कर लेती है तो। बाकी वैसे रियल वाला होता तो बहुत बड़ा बड़ा नहीं है,
तभी तो बड़ा है ये, तो 50 तोला हो जाता है 50 तोला। आज का वीडियो मुझे लग रहा है ना एडिट करते करते थक जाऊंगा मैं, घर पे इतना कुछ शूट कर दिया ना सयाने ये ज्वेलरी के चक्कर में। आपको भी थकान हो गई होगी, लंबा व्लॉग भी हो गया है, तो आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। आप लोग अपना और अपनों का ध्यान दीजिए, स्नेह माई को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा एक सनसेट का शॉट, उसके बाद प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट, उसके बाद कल मिलते हैं। बाय बाय।